पटना का पत्थरबाज कौन, पहला पत्थर किसने चलाया, दोषी कौन, इन तमाम सवालों की आज होगी पड़ताल। पटना की सड़कों पर कल जो सियासी ड्रामा चला वो राजनीति के स्तर की गिरावट का एक और चरम था। आरजेडी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच पथराव सिर्फ टॉवल की तस्वीरें बताने के लिए काफी थी कि अब सियासत का मूड क्या है, विरोध का तरीका क्या है। आज हम आपको दिखाएंगे पहला पत्थर किसने चलाया, हंगामा कैसे बढ़ा। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर नंबर एक, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि पहला पत्थर कहां से चला। हमारे पास जो तस्वीरें हैं उसमें साफ है कि पहला पत्थर बीजेपी कार्यालय की ओर से चली। पत्थर चलाने वाला शख्स पार्टी का कार्यकर्ता था या कोई और, ये जांच का विषय है। तो कल की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब पत्थरबाजी शुरू हुई। आरजेडी के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता एक दूसरे पर पत्थरबाजी करने लगे, लेकिन ये पहला पत्थर किसने चलाया? जी हाँ, पहला पत्थर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से चलाया गया है। अब देखिए चार तस्वीरें जिसमें हम चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं कि आखिर पहला पत्थर किधर से गया। बीजेपी दफ्तर की तरफ से ये पहला पत्थर चलाया गया है। हालांकि ये जांच का विषय बनता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता थे पत्थरबाजी में या नहीं थे। और दूसरी तस्वीर आरजेडी कार्यकर्ताओं की है, उनकी तरफ से भी हंगामा हुआ। तीसरी तस्वीर में बीजेपी कार्यकर्ता की है जो काफी उग्र हो गए थे और उसके बाद कहासुनी होने लगी थी दोनों कार्यकर्ताओं के बीच। पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी थी स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए। अब हम आरजेडी कार्यकर्ताओं की वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर के बाहर हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। ये कल की तस्वीरें हैं, आप देखिए किस तरह से जो आरजेडी कार्यकर्ता हैं वो कल प्रदर्शन कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे। अब एक और तस्वीर देखिए जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता लाठियों के साथ बाहर निकले और आरजेडी कार्यकर्ताओं को चुनौती दी। अब एक और तस्वीर देखिए जिसमें दोनों दलों के बीच कहासुनी हुई। हंगामा हुआ उसके बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पहला पत्थर किसने चलाया। इन तमाम सवालों की आज पड़ताल होगी। पटना की सड़कों पर कल जो सियासी ड्रामा चला वो राजनीति के स्तर में गिरावट का एक और चरण था। इनपुट हेड संतोष सिंह इस वक्त हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। संतोष, पहला पत्थर किसने चलाया ये सवाल उठ रहा है। जिस तरह से कल आरजेडी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, पत्थरबाजी की, सिर फुटौल किया, देखिए जो चीजें तस्वीर कह सकते हैं कि झूठ नहीं बोलती और कैमरा भी लाख आप अपने तरीके से कोशिश करें लेकिन कैमरा भी जो तस्वीर कह सकते हैं कि जो सामने आती है कैमरा से जो तस्वीर हम लोग लेते हैं वो भी झूठ नहीं बोलती। और जब अगर सियासत होने लगे तब ऐसे ही साइंटिफिक चीजों के आधार पे उसका विश्लेषण भी होना चाहिए। लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला कल से ही चल रहा है कि किस तरीके से आरजेडी के कार्यकर्ता बीजेपी पार्टी कार्यालय पर हमला बोले और उसके बाद ये स्थिति बनी। दोनों तरफ से मामला भी दर्ज हुआ, कहीं से भी किसी के कह सकते हैं एक्शन को जस्टिफाई नहीं ठहराया जा सकता। और आज की राजनीति में हो या राजनीतिक शैली की बात हो, कहीं कहीं इसकी दोनों तरफ से निंदा होनी चाहिए। लेकिन
आरजेडी कार्यकर्ता जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, दंग धड़क प्रदर्शन कर रहे थे और वो सुशील मोदी से सबूत मांग रहे थे, तो वो एक तरीका है, एक लोकतांत्रिक तरीका है। लेकिन आप किसी के पार्टी दफ्तर पर आप पहुंच के, आप उसके गेट के सामने खड़े होकर अगर मुर्दाबाद के नारा लगाते हैं तो स्वाभाविक है तनाव बढ़ेगा। लेकिन तनाव बढ़ने की स्थिति तक हम आप अपने दर्शकों को यही दिखाना चाह रहे हैं कि तनाव बढ़ा उनके गेट तक जाके आरजेडी कार्यकर्ताओं ने सुशील मोदी साक्ष दो, सुशील मोदी मुर्दाबाद के नारा भी लगाई। उसके बाद पुलिस ने दोनों तरफ से अंदर से भी गेट बंद करके पुलिस खड़ी दिख रही है, विजिल में बाहर भी पुलिस खड़ी हुई है और दोनों को अपने अपने जगह से कम पार्टी कार्यालय से आरजेडी के कार्यकर्ताओं को दूर कर दिया गया और ये अंदर में जो लोग थे उनको वहां पे कोई हंगामा ना हो उसको अंदर में बंद कर दिया था। लेकिन चंद मिनटों बाद अंदर से गेट खुलता है और उसके बाद डंडा के साथ लोग बाहर निकलते हैं, जो फुटेज दिख रहा है। और उसके बाद फिर बीच सड़क पे आप कह सकते हैं कि बीजेपी कार्यालय और जो एक डिवाइडर है अगर बिरचंद पटेल पट पर, तो सवाल अब ये भी उठ रहा है कि क्या बीजेपी कार्यकर्ता पहले से ही इसके लिए तैयार थे, जिस तरीके से लाठियां लेकर वो तुरंत बीजेपी दफ्तर के बाहर निकले लाठियों के साथ। देखिए, ये कहना काफी मुश्किल है कि पहले से इसकी तैयारी कर रखा था, लेकिन बीजेपी कार्यालय में अमूमन रोजाना भी जब भी हम लोग जाते हैं, कोई कार्यक्रम हो या ना हो, 20-30 आदमी ऐसे ही उनके पार्टी के दफ्तर में लोग अलग अलग सेल, बीजेपी के पास अलग अलग कई सेल भी हैं, हर सेल में 2-3 लोग आपको मिल जाएंगे। और जहां तक सवाल लाठी डंडे का है, तो इनके पार्टी कार्यालय में इस तरह के डंडे हमेशा मौजूद रहते हैं। और संयोग देखिए कि ठीक अभी निर्माण का कार्य चल रहा है, जिस वजह से अंदर में रोड़ा पत्थर भी काफी संख्या में मौजूद था। लेकिन हम इस पूरे फुटेज के माध्यम से सिर्फ ये दिखाना चाह रहे, कहीं कहीं राजनीति में इस तरह की घटनाओं की निंदा होनी चाहिए। और ये जो प्रदर्शन का तरीका है, ये प्रदर्शन का तरीका भी कहीं से भी जायज ठहराया नहीं जा सकता, क्योंकि आप किसी के पार्टी दफ्तर पे जाके अगर आप मुर्दाबाद का नारा लगाएंगे स्वाभाविक है तनाव होगा। लेकिन इसके पीछे कौन है, मेरा सवाल यही है कि बीजेपी कार्यकर्ता भी शांत हो गए, आरजेडी कार्यकर्ता भी शांत हो गए, दोनों अपने अपने जगह से पीछे हटने लगे। इस बीच पत्थरबाजी करने वाले कौन लोग, जो बीजेपी के दफ्तर के अंदर से जो पत्थर चला है वो पत्थर फेंकने वाले कौन लोग है, ये एक अहम सवाल है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये साफ दिख रहा है जो पत्थरबाजी हुआ है वो बीजेपी के कार्यालय के अंदर से पत्थर फेंके गए हैं, बीजेपी के कार्यालय की तरफ से पत्थर फेंके गए हैं और वो उस पत्थर के बाद सड़कों पर भगदड़ मचती है और उसके बाद कई लोग घायल होते हैं और फिर जो पत्थर इधर दोनों तरफ से चलना शुरू होता है और उसके बाद जो घटनाएं घटी, दोनों तरफ से लोगों को चोटें आई, कई कार क्षतिग्रस्त हुए और उसके बाद कह सकते हैं कि लगभग आधे घंटे तक रण क्षेत्र में पूरा बीजेपी पटेल पत्र बदला रहा, उसका दिशा इस तरह से देखने को मिला। लेकिन आखिर इस राजनीतिक कसमकश के बीच ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इस मौके का फायदा उठाया, क्या वो वाकई में बीजेपी के कार्यकर्ता थे या वाकई में माहौल बिगाड़ने की कोशिश उनकी थी, ये देखने वाला चीज है। और हम आज उस फुटेज के माध्यम से यही हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से दोनों कार्यकर्ता शांत हो जाते हैं, शांतचित होकर पुलिस बीजेपी के कार्यकर्ता को पार्टी दफ्तर के अंदर ले जा रहे हैं और आरजेडी के कार्यकर्ता अपने आरजेडी दफ्तर, पुलिस भी मौजूद थी, कई आला अधिकारी भी मौजूद थे, उनकी तरफ से क्या कार्रवाई हुई, क्या वो बता पा रहे हैं कुछ इस मामले पर? देखिए, इस पत्थरबाजी को लेकर बड़ी संशय वाली स्थिति थी, क्योंकि ये फुटेज भी हमें ऐसी स्थिति में मिली है जब लगातार हम लोग इस पत्थर को, पहला पत्थर किसने फेंका है या ये पत्थरबाजी की घटना घटी क्यों, क्योंकि देखिए दोनों तरफ से लाठी डंडे चल रहे थे, दोनों एक दूसरे से जोर अजमाइश कर रहे थे, लेकिन दोनों के बॉडी लैंग्वेज को आप देखिए कि लड़ाई हो या बात आगे बढ़ी, ये दोनों इससे बचने की कोशिश कर रहे थे। जो समझदार लोग बीजेपी के पार्टी दफ्तर के लोग थे वो भी कोशिश कर रहे थे कि इस तरह का विवाद ना हो, वो अपने कार्यकर्ताओं को, जो आक्रोशित कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता आक्रोशित थे, उनको अंदर ले जा रहे थे। आरजेडी में भी जो लोग समझदार थे वो भी अपने कार्यकर्ताओं को पीछे ले जा रहे थे। ये अब देखिए नजारा यही देखने और समझने की चीज है, दोनों पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने पार्टी दफ्तर की तरफ बढ़ने लगते हैं और इसी बीच अचानक पत्थरबाजी शुरू हो जाती है और पत्थरबाजी के बाद माहौल बिगड़ता है, फिर दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो जाती है और कई लोगों को चोटें आती है, कई लोग घायल होते हैं, कई गाड़ियों का शीशा तोड़ा जाता है और उसके बाद जो घटना घटी बीरचंद पटेल पर, वो उसका कहना बड़ी मुश्किल, जितनी निंदा की जाए वो कम है, कहीं कहीं एक आधे घंटे तक कह सकते हैं कि रणभूमि में तब्दील हो गया बीरचंद पटेल पथ। और ऐसी स्थिति में एक लॉ एंड ऑर्डर का भी प्रॉब्लम और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो दावे किए जा रहे थे उस पर भी सवाल खड़े होने लगे। लेकिन ये समझने की जरूरत है कि आखिर इस
दो पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच ये तीसरा कौन है जो पत्थरबाजी करके इस माहौल को बिगाड़ा और आज जो तनाव की स्थिति है पटना में, पटना के बाहर कहीं भी दोनों दल के कार्यकर्ताओं के बीच जो तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई है, इसके पीछे कौन है ये समझने की जरूरत है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस तरह के चीजों में आगे बढ़कर दोनों पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। इसकी कहीं कहीं पुलिस भी जांच कर रही है और जो FIR दर्ज हुआ है जिसमें एक तरफ से लालू प्रसाद जी को भी अभियुक्त बनाया गया है, दूसरी तरफ से सुशील मोदी जी को भी अभियुक्त बनाया गया है, उस FIR में भी जो अनुसंधान करता है उन्हें भी ये जिम्मेवारी दी गई है कि आखिर पहला पत्थर या जो लगातार पत्थर की बारिश हुई है बीजेपी पार्टी कार्यालय की तरफ से, जो फुटेज बता रहा है, जो फुटेज दिख रहा है जिस तरीके से, वो आखिर पत्थर चलाने वाले कौन लोग थे, क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ता भी को भी पुलिस अंदर गेट के अंदर तक उनको पहुंचा दिया था, लगभग स्थिति सामान्य होने की ओर बढ़ चला था। ऐसे में ये आखिर पत्थरबाजी करने वाले कौन है ये भी एक समझने की जरूरत है। कहीं कहीं माहौल बिगाड़ने वाले लोग उपद्रवी तत्व इस तरह की चीजें में अक्सर प्रवेश करके माहौल को बिगाड़ते हैं, ये भी देखा जाता है कि भीड़ तंत्र में कभी कभी जो लोग ऐसे लोग जो चाहते हैं कि माहौल और अशांत हो उस तरह के चीजों का उपयोग करते हैं। लेकिन ये जांच का विषय बनता है कि आखिरकार ये पहला पत्थर चलाया किसने, अब जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फौरन होंगे हाजिर।